बनकट हालस मे आज उमर अब्दुल्ला सदारत मे लेजिस्लेटिव पार्टी हज मीटिंग कर आमुत ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हों मेबरान असम्बलियों तो इतिहादी मेबर असम्बली शिरकत कर अत मौक पे असम्बली हजलास हवाल कथन दाव दिन आव अब्दुल रहीम रफर सावस पेट बहस असम्बली स्पीकर महर से लागन आम जन मीटिंग मे मौजूद मेबरान असम्बली तरफ मीटिंग पे कत कर वन आव खुशगवार माहौल मे मीटिंग अंद वम ये दौरान असम्बली हिंदिस वक्त सेशन दौरान लूकन मसल उजागर कर बावल लायक पगह पे सपद असम्बली हूं पांचन दौन तान जारी रोजन वोल इजलास शुरू ये दौरान पगह सुबह साढ़े दह बजे स्पीकर इंतखा सपद ये पे साढ़े कह बजे एल जी मनोज सिन्हा मेबरन खताब कर मीटिंग हवाल सी फिरदोस नजार समीर वन पूर तफसीलत फ्राहम करान वो मेबरान असम्बलियों तरफ से खुशी हूं इजहार कर वन आमुत मीटिंग से खुशगवार माहौल मे अंद वम देखिए आज तो ये दिस वाज द फर्स्ट लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग ज्वाइंट लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग पहले एनसी ने अपनी मीटिंग वो कर रहे थे जिस तरह हमने भी अपनी एक अलग से मीटिंग की और उसके बाद में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बातचीत हुई कोई खास ऐसा कोई सीरियस बातचीत नहीं थी खाना खाया और लोग निकल रहे लेकिन मैंने नहीं खाया नहीं वो जो कॉजेज ऑफ कंसर्न है वो हम लोगों ने भी उठाए और मेंबर्स ने भी उठाए आज की मीटिंग के एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी और अलायंस पार्टनर्स की ज्वाइंट लेजिस्लेटिव अपनी पार्टी की मीटिंग थी जिसमें कल जो असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है स्पीकर का इंतखाब होगा वहां पे उसके बाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रेस करेंगे उसके बाद से इसके अलावा जो इस वक्त हालात इस खत्ते में जो हालात कशीदा होते जा रहे हैं उसके बाद ही और जो हमारा कोर एजेंडा है उसके बाद नहीं ये हमेशा हद से दस्तूर लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग होती है आज बैठे हैं सारे जो अलायंस पार्टनर्स के सारे मेंबर्स मिले बातचीत हुई और अगले दो चार दिन जो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस होगा और इसमें तो ज्यादातर एलजी एड्रेस पे होगा और ऑबिटरी रेफरेंस होगा उसी पे ज्यादा से ज्यादा बात होगी हर किसी चीजों पर डिस्कस हुआ अब बाकी हम असेंबली में कल बात करेंगे ये रूटीन मीटिंग होती है जब सेशन लगता है अगर 10 साल से आपको मालूम नहीं होगा मगर पहले भी होता है सेशन से पहले रूलिंग पार्टी की भी अलायंस की भी अपनी मीटिंग होती है हाउस के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है और दूसरे लोग भी अपनी अपनी मीटिंग करते हैं तो ये सिंपल ब्रीफिंग वाली मीटिंग थी पांच दिन का हाउस है क्या क्या बिजनेस होगा डिस्कशन ये हो गई कि परसों कल डिजिटल साल का इंतखाब है और परसों जो है वो हुई है उसके बाद दो दिन का गवर्नर का एड्रेस है बस दैट जॉब तो पोजिशन स्ट्रांग होगी तो हम उससे ज्यादा स्ट्रांग वो जो हो गए ना कहते हैं गवर्नमेंट इज एज गुड एज इट्स पोजिशन देखेंगे कि फिर क्या करेंगे जी वो ऑन द फ्लोर आप हाउस बात होगी बहुत अच्छी मीटिंग सभी कोलिशन पार्टनर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और हमारे इंडिपेंडेंट साथी जितने भी हैं उन सबके साथ मीटिंग होगी और स्ट्रेटेजी कल कैसा रहेगा स्पेशल इलेक्शन स्पीकर साहब का उसके बाद गवर्नर साहब का एड्रेस और उसके बाद जो चार दिन रहेगा उस सब के बारे में बात होगी क्या कोलिशन की स्ट्रेटजी रहेगी अलायंस पार्टनर सभी यूनियन में से कि स्मूथली हाउस चलना चाहिए और इंश्योर करना है कि जो पब्लिक की डिमांड है वो डिस्कस हो जाए आने वाले टाइम में जो हमने वादे किए लोगों से उन वादों पर बात हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही उमदा कोऑर्डिनेशन जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट साथी हैं कांग्रेस के हमारे अलायंस पार्टनर के सीनियर लीडरशिप की उनकी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग फाइन और आने वाला ये जो सेशन है ये छोटा है दूसरा सेशन जो है वो जनवरी में होगा जो बड़ा सेशन होगा जिसमें जो ग्राउंड की बाकी जो मुश्किल लोगों की है उसको डिस्कस होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए बात की गई हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके लिए बात की गई और यही एश्योरेंस हुई कि जितने भी मुद्दे हमारे अलायंस पे थे उसके लिए बात हो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पे उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हादसा हुए हैं उस पर सबको दुख था सबने बात की और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं और उम्मीद है कि हालात बेहतर रहेंगे
और आगे भी जो है जिस तरीके की भी कोशिश होगी नॉर्मल से ज्यादा रहे। और जो जम्मू कश्मीर के लोग खास करके एम्प्लॉयमेंट के लेके मेंबर्स ने कहा कि काफ़ी लोगों को नौकरियों के लिए, काम के लिए, रोजगार के लिए है, उसके लिए भी काफ़ी बात आज। तो पहले तो नेशनल कांग्रेस का जो लेजिस्लेटिव पार्टी का मीटिंग हुआ था उसमें हमारा यही था कि आज जो कल से सेशन जो स्टार्ट हो रहा है, 4 डे का ब्रीफ स्पेल है, उसमें बड़ी बातचीत हुई किस तरीके का गवर्नमेंट का उसमें हमारा स्टैंड रहेगा, क्या आने वाले चैलेंजेस है, तो यही आज तो डिस्कस। उसके बाद अलायंस का भी मीटिंग हुआ, तो अलायंस पार्टनर के साथ भी बाद में हमारी मीटिंग हुई, तो उसमें यही ताकि किस तरीके के जो चैलेंजेस हैं इस वक्त गवर्नमेंट को वो बदलते हालात में, तो उस पर हमारी चर्चा हुई। और देखते हैं कल से, पहले तो स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद भी आगे की रणनीति। देखिए अपोजिशन तो स्ट्रांग, किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन तो स्ट्रांग तो हो, लेकिन गवर्नमेंट को एक क्लियर कट मैंडेट है, तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल इस वक्त कोई उस पर ऐसी बात नहीं है। और हमारा मौके बिल्कुल क्लियर है, जो हमारा एजेंडा नेशनल कांग्रेस का इस वक्त जिस मैंडेट को लेकर हम लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा है, तो उसी मैंडेट को जो है हम हाउस में भी जो है वही बात रखी जाएगी जो लोगों ने हमसे उम्मीद रखी है। तो मीटिंग की मीटिंग से गेट टूगेदर हुआ, बात हुई, खाना हुआ, तो क्या कुछ डिस्कशन हुआ जो यहाँ पे हालात है? कल असेंबली का सेशन है, कल असेंबली का सेशन है, उससे बात हुई है, और कल जो भी बिजनेस रूल पर उससे डिस्कशन होगा। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए, वो कल पता चलेगा, क्योंकि कल ही उसका स्पीकर का इलेक्शन होगा।